कलर देखने आ गए हैं, ठीक है अब सेलेक्ट करते हैं कौन सा वाला कलर माँ को पसंद आता है, कौन सा कलर नहीं पसंद आता। मैं तो कह रही थी अम्मा को टी वी लॉन्च के लिए ये वाला कलर रख लें, ठीक है ये वाला कलर। सनसेट होने वाला है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है आसमान। ये सनसेट होने वाला है ना, शाम होगी बस, तो इसलिए बहुत प्यारा लग रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे जनाब हम लोग जा रहे थे आज फिर से सोफ़ों का कपड़ा देखने के लिए, क्योंकि उस दिन मैंने नहीं सेलेक्ट किया था और फिर मेरा कुछ काम और निकल आए थे, तो फिर यहाँ पे मैं ना अब जा रही थी अनाया को साथ लेके। मैंने कहा चलो हम दोनों अब चलते हैं अब तो बस। और मैं ये अभी आपको दिखाना चाह रही थी बाहर कि ये देखें मैंने सफाइयाँ भी शुरू कर ली, साथ ही ये क्लीन वगैरह वॉश कर दिए कि ये भिगोया हुआ था सर्फ़ डाल के और ब्लीच पानी में डाल के, तो ये भिगो दिया था और ये कल हम वॉश करेंगे इसको। तो बस यही है अब काम लगी हुई हैं धड़ा धड़ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से। तो मैं अनाया को कह रही थी कि चलो जल्दी करो फिर हम दोनों चलते हैं। आज अनाया को ट्यूशन नहीं छोड़ा क्योंकि अनाया का ट्यूशन का कोई काम नहीं था, तो बस ये बस था। तो चलते हैं अब, ये बाहर आए हैं, आगे हमारे ये नेबर है उनकी गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने नाया को कहा जाओ उनकी बेल मारो और मैं फिर गाड़ी में बैठी। इस मार्केट में अभी मम्मा सोफे वाले को ढूंढ रही हैं, तो अभी मम्मा फिनिश अपने घर का पूजा करवाएंगी, भाई नया सब कुछ नया, ठीक है अभी हम लोग आ गए, अभी देखते हैं कहाँ पे है बंदा, तो फिर जाते हैं कलर देखने आ गए हैं, ठीक है अब सेलेक्ट करते हैं कौन सा वाला कलर मम्मा को पसंद आता है, कौन सा कलर नहीं पसंद आता। मैं तो कह रही थी मम्मा को टी वी लॉन्च के लिए ये वाला कलर रख लें, ठीक है ये वाला कलर, पर मम्मा ये रख ही नहीं रही, मैं कहती नहीं अच्छा ये नहीं है वो नहीं, अब देखते हैं कौन सा सिलेक्ट करते हैं कौन सा कलर रखती हूँ। मैं नहीं अभी आगे हैं मम्मा सिलेक्ट, कपड़े शपड़े ले लिए सोफे वाला के, ठीक है अभी ये देखें पीछे पीछे क्या हाल हुआ, बहुत मुश्किलों से गाड़ी चल रही है मम्मा से, अभी हम लोग जा रहे हैं, उन्होंने सब कुछ ले लिया, अब कल से काम स्टार्ट हो जाएगा हमारे घर भी इंशाल्लाह। हाँ फिर मसरूफ़ हो जाएंगे हम लोग, अब हम लोग घर जा रहे हैं। हाँ सोडा हम लोगों ने पिया है, ठीक है फ्री का फ्री का ये लो, चल यार मेरे कपड़े गंदे कर दिए, मजा आया ये देखे सोडा हम लोगों ने पिया था अभी, तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, चलते हैं बस घर। सनसेट होने वाला है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है आसमान, और ये सनसेट होने वाला है ना, शाम होगी बस, तो इसलिए बहुत प्यारा लग रहा है ये, इतना प्यारा लग रहा है आसमान इसकी वजह से, रोड भी कितनी प्यारी लग रही है, जितनी गंदी भी रोड होगी पर प्यारी लग रही है, तो जैसे हाँ ये सारे सोफों का सामान लेके फोम, तो पता नहीं कपड़ा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने तो पहली दफ़ा अपने सोफे जो है ना कपड़ा चेंज कराने लगी हूँ, पहले तो जिस तरह हुआ नया ले लिया, फिर तो इस दफ़ा मैं कपड़ा चेंज करा रही हूँ, तो इतना सामान लेना पड़ता है और फिर मैं सारा लेके आई हूँ। तो अभी फिर मैं खाना बना रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी साथ में खाना रख के गई थी, टमाटर प्याज वगैरह ये सारा हो गया था, तो बाकी बस ये मेरा बुनाई कर रही हूँ, आलू और चिकन बना रही हूँ। मैं और अनाया ही हैं, मुझे पसंद है ना आलू और चिकन बहुत मज़े के लगते हैं मुझे, हल्का सा इसमें ग्रेवी शोरबा सा करूँगी ना मुझे पसंद है। अनाया तो खैर इतनी खास नहीं खाती इस तरह की चीज़ें, ये कहती हैं मम्मा कढ़ाई वगैरह हो तो मैं खा लेती हूँ, तो मुझे इतनी भूख लगी थी उधर हमने सोडा पिया था और अभी मुझे भूख लगी, मैंने चाय बनाया साथ में बंद खा रही हूँ जल्दी जल्दी सी, मैंने कहा ज़रा थोड़ा पेट भर लूँ फिर बाद में खाना खाएँगे, अभी टाइम नहीं है। तो बस ये है, मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें कि क्या क्या मैं लेके आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या लेके आई हूँ, काफ़ी सारा सामान सा है फॉर्म, तो ये देखें ये कपड़ा है लेके आई हूँ, ये फॉर्म है और ये बाकी ये कुछ फॉर्म है, कुछ इधर चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो अब ये बनेंगे तो फिर मैं आपको चेक कराऊँगी दिखाऊँगी, सरप्राइज़ है अभी अभी सारा नहीं दिखाना, बस ये सोफ़ा बनेगा और ये वाले सोफ़े बनेंगे, तो बस अब बस कुछ चाय शाय पीती हूँ अब, और बाकी मेरी गाड़ी का मसला अभी निकल आया, शुक्र है मैंने देख लिया, मेरी गाड़ी का रेडिएटर होता है जो पानी उसमें से लीक करने लग गया, और वो अभी बंदा बुलाया अभी वो गाड़ी ठीक करेगा उसका रेडिएटर, आजकल गर्मियाँ ऑलरेडी आज उसको पानी की ज़रूरत है और वो नीचे से लीक कर रहा है, मैं रोज़ाना पानी डाल रही हूँ, रोज़ाना गाड़ी जो है गर्म हो रही है, मैं कहती हूँ गाड़ी को मसला क्या है, पानी क्यों इतना पीती है,
शॉप है, बुक्स की शॉप है, मैं उसके पास ऊपर खड़ी हुई उधर, तो मैं नाया की कुछ चीज़ें लेनी थी बुक्स की, तो देखा तो नीचे से टपक रही थी, तो अब गाड़ी को जो है ना बंदा बुलाया, अभी उसको गाड़ी जो है ना ठीक करेगा। पता नहीं क्या मसले, क्या क्या मसले मेरे लिए खुल जाती हैं। चलो जी मैं अब चाय पीती हूँ। आज का देखिए मेरी चाय कैसी होती है, थोड़ी काली काली सी, इसमें मैं दूध कम डालती हूँ कि चाय के, अब पहले तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, और पीती इस शाम को जिस दिन पीना हो तो फिर मैं ऐसी चाय पीती हूँ। चले हम गाड़ी का काम होता है फिर दिखाती हूँ। नीचे से टपक रही है। हाँ हम लोग, हाँ तो अभी शानी भाई ने बंदा बुलाया है और वो अभी चेक कर रहे हैं कि क्या मसला क्या नहीं, तो अब देखते हैं। ये देखिए हम कर रहे हैं, गाड़ी को मसला हो गया, देखते हैं अब क्या होता है, लेके ना जानी पड़े। जी मेरी गाड़ी अभी ये 1.5 घंटे बाद आएगी। उसके टांके दो जो है ना वो थे, दो टांके उसके जो है ना टूटे हुए थे और उसकी सफाई होनी रेडिएटर की नीचे भी, तो अब वो चली गई है। चलें जी, शानी भाई की बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया शानी भाई का, वो ले उसने बंदे को दे दिया और बस अब मुझे 2500 की ठुक गई। 2500 रुपया मेरा लगे और ठीक हो जाएगी गाड़ी।